वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आपका भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और अभी आपको आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यूएस के लिए फिर से अप्लाई करें या फिर किसी और कंट्री के लिए ट्राई करें या फिर अपने होम टाउन में ही आप रहना चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको डिमोटिवेटेड सा फील हो रहा है, आपकी सिली मिस्टेक हो गई थी और इसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोस रहे हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई है, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार। जी हाँ, मुझे यूएस का वीज़ा मिला था फोर्थ अटेम्प्ट में, यानी मुझे भी तीन रिजेक्शन के बाद यूएस का वीज़ा मिला। तो ये सारी जो आपकी सिचुएशन है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आज आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैसे वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद क्या क्या करना चाहिए ये अगर मैं बताने लगी तो ये वीडियो कम पड़ जाएगा और मुझे 5-10 वीडियो बनाने पड़ेंगे। फिर भी आज के वीडियो में आपको मैं सारे के सारी चीज़ें क्विक में बता देती हूँ। तो आपको अभी इस टाइम पर बहुत डीमोटिवेटेड सा फील हो रहा होगा, बहुत रोना आ रहा होगा, अभी किसी को क्या बोले, रिलेटिव उसको क्या जवाब दे, फ्रेंड्स को क्या जवाब दे, अपने घर वालों की होप्स रहती है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और अभी आगे क्या करना है, ये बहुत सारे ख्याल या फिर इससे वर्स्ट ख्याल आपके मन में आ रहे होंगे, बहुत रोना आ रहा होगा। पर ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, पर थोड़ा टाइम देना होता है, आप अकेले हो नहीं जिसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, 50% लोग होते हैं उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है, 50% लोगों का वीज़ा अप्रूव होता है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक वीडियो में आपको बताया था कि जो आप लोग अपना अच्छे अच्छे स्टोरी शेयर करते हैं, कोई भी अपना रिजेक्शन वाला फेस शेयर नहीं करता है, तो आप कभी भी देखिए फेसबुक में या फिर टेलीग्राम में बहुत कम लोग अपना रिजेक्शन वाला फेस शेयर करते हैं, 90% लोग उनका अप्रूव हो गया, 2 मिनट में अप्रूव हो गया यही बताते हैं, उसके पीछे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया ये नहीं बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, बस टाइम दीजिए, कुछ टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने ही हाथों से कुछ गलती हो जाती है, तो मेरे टाइम पे ऐसे हुआ था कि मैंने कुछ गलत आंसर बता दिया था या फिर अपने को ही आवाज़ नहीं आता है, हम आंसर गलत बता देते हैं, कभी समझता नहीं है, तो कुछ अब हमने को बोलना कुछ होता है हम और कुछ अलग बोल देते हैं या फिर अपने पॉइंट हम क्लियरली रख नहीं पाते हैं, डर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बस आपके साथ ही नहीं होती है, सब लोगों के साथ होती है। और अभी मुझे ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनानी है, मैं तो आपको प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ। तो अगर आपसे कुछ गलती हो गई हो और आप सोच रहे हो कि काश मैंने ऐसे नहीं किया होता, उस टाइम पे वैसे किया होता तो आज मुझे यूएस का वीज़ा मिलता, तो ये आप अपने आप को लाइफ टाइम कोसते रहोगे। तो इससे एक बार फिर से मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूँगी कि एक बार फिर से आप यूएस वीज़ा के लिए ट्राई कीजिए, अपने गलतियों के ऊपर वर्क कीजिए और यूएस का वीज़ा दीजिए। दूसरा सिचुएशन ये बोलूँगी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है, जैसे कि मेरा मन था, मुझे यूएस के अलावा किसी और कंट्री के लिए ट्राई ही नहीं करना था, मेरा मन ही नहीं था, तो मैंने यूएस के लिए बार बार ट्राई किया। तो अगर आपका भी यूएस छोड़ के किसी और कंट्री में जाने का मन नहीं है तो आप फिर से एक बार यूएस के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आप सेकेंड टाइम यूएस के लिए ट्राई कर रहे हो तो लोग बोलते हैं कि बैकअप ऑप्शन रखो करके, तो लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए अप्लाई करके रख देते हैं। तो अगर सेकेंड टाइम भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो उनके पास बैकअप ऑप्शन रहे, इसलिए लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अदर कंट्री में ट्राई करते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है कि आपकी, अगर आप यूएस के वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप सोचिए कि आपने गलती कहाँ पर की है। अगर आपने बोलने में आपको लगता है कि मैंने परफेक्ट बोला था, जो कुछ भी था आपने पॉइंट क्लियरली रखे थे, तो फिर आप अपना DS-160 चेक कीजिए, कहाँ पर आपने कुछ गलत तो फील नहीं किया है, क्योंकि 90% ऐसे चांसेस होते हैं कि DS-160 गलत फील करने की वजह से ही वीज़ा रिजेक्ट होता है, या फिर आप किसी एक्सपीरियंस लोगों के से अपना सजेशन ले सकते हो कि मेरी कहाँ पर गलती हो गई, पर आपको ऑनेस्टली अपने क्वेश्चन और आंसर बताने होंगे। और साथ में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती नहीं है, पर एक्सपीरियंस लोग जब आपको एनालाइज करते हैं तो उनको प्रॉपरली समझ में आ जाता है, तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो आप ये भी कर सकते हो।
अभी ये सब कुछ तो हो गया है, और अगर आपके पास टाइम है और इसी अगर आपका अभी वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और अभी थोड़ा टाइम है, 1 महीना, 1.5 महीना या फिर 15-20 दिन, और आपको पता है कि इस टाइम पे स्लॉट्स आ सकते हैं, तो आप फिर जल्दी से जैसे ही वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया उसी दिन ही आप अपनी वीज़ा अप्लीकेशन फ़ीस जो होती है या फिर वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म जो होता है फिल करिए, वीज़ा अप्लीकेशन फ़ीस भी पे करिए और नेक्स्ट वीज़ा स्लॉट्स के लिए देखना स्टार्ट कीजिए। और अभी आप ये भी पूछोगे कि US का वीज़ा कितनी बार दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी रूल एंड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी बार US का वीज़ा दे सकते हो, वो 1 बार, 2 बार, 6 बार, 7 बार कितनी भी बार US का वीज़ा दे सकते हो, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि 10 बार US का वीज़ा देने में वर्थ नहीं है, आप अपनी जो गलतियाँ है, मिस्टेक हुए है उसके ऊपर वर्क कीजिए, प्रॉपरली देखिए, एनालाइज़ कीजिए सिचुएशन को। अगर आपको सब कुछ प्रॉपरली पता है, आपने अपनी मिस्टेक पे वर्क कर लिया, तो आपका वीज़ा सेकेंड अटेम्प्ट में ही आपको मिल जाएगा। अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स चेंज करना चाहिए क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी भी चेंज करनी चाहिए और कोर्स भी चेंज करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है और अच्छा कोर्स भी मिल रहा है तो आप चेंज कर सकते हो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और अगर आप अपने कॉलेज, आपको वही कॉलेज चाहिए, वही कोर्स चाहिए, आपको नहीं चेंजेस करना है, तो मत कीजिए। ये मैं अपने केस से बता रही हूँ क्योंकि मेरा 3 बार US का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था और 4th बार मुझे US का वीज़ा मिला था। ना तो उस टाइम पीरियड में ना मैंने यूनिवर्सिटी चेंज की थी और ना मैंने मेरा कोर्स चेंज किया था। तो ऐसा कुछ कंपलसरी है नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स चेंज करना ही पड़ेगा, पर अगर आपको हाई रैंक की यूनिवर्सिटी मिल रही है, कोर्स अच्छा मिल रहा है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपका 1 बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपको वीज़ा ऑफिसर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने क्या क्या चेंजेस किए, और या फिर बहुत कम चांसेस है कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी DS-160 में प्रॉपर आप फिल कीजिए कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था और क्यों रिजेक्ट हुआ था, उसका ऑनेस्ट रीज़न बताइए, क्योंकि अगर ऑनेस्टली आप वहाँ पर फॉर्म फिल करोगे तो आपको वीज़ा ऑफिसर भी समझते और आसानी से आपको नेक्स्ट टाइम वीज़ा मिल सकता है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बोला था व्हाट चेंजेस हैव यू मेड, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा तो ये कंपलसरी है नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी और कोर्स ही चेंज करना चाहिए, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आप अपना जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो इम्प्रूव किया ऐसे बता सकते हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट की है ये भी बता सकते हो। तो ये सब कुछ तो मैंने क्विकली बता दिए है सारी चीज़ें, तो अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में या फिर यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।